विषय हिंदी आपणे आठमो देखीशुं दोहाष्टकम। आपणे दोहानी अंदर त्रण कवियोना भेगा दोहा छे, कबीर, तुलसीदास अने रहीम। आ त्रणे जणाना दोहा छे। दोहा एटले शुं? तो दोहे हिंदी भाषा साहित्य की अनमोल निधि, अनमोल एटले घणी कीमती। दोहे व्यवहारिक दृष्टांतों के माध्यम से सरल सहज रूप में जीवन के लोक व्यवहार के गुण, स्वभाव, नीति रीति आदि से अपन को परिचित कराता है। दोहा एक छोटा सा छंद जैसा ही है। हिंदी के कई पुराने कवियों ने इस छंद ने कविताएं लिखी है, जो दोहा अष्टक। इसमें आठ दोहे दिए गए हैं। इन तीन कबीर के हैं, दो तुलसीदास जी के हैं और तीन रहीम जी के हैं। तो इन दोहों हम तरह तरह की व्यावहारिक शिक्षा मिलती है। कबीर 15वीं सदी के कवि हैं, बड़े संत थे। इन्हें हिंदू और मुस्लिम उनकी गलतियाँ के लिए फटकारा है और दोनों के हिल मिलकर रहने का उपदेश दिया है। तुलसीदास 16वीं शताब्दी के प्रसिद्ध राम भक्त कवि है। उन्होंने रामचरितमानस नामक प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा है। और रहीम उनका पूरा नाम है अब्दुल रहीम खान खाना। ये बड़े उदार और अनुभवी थे। हिंदी में उन्होंने बहुत ही सुंदर दोहे लिखे हैं। कबीर जी के दोहे देखेंगे, मैं दोहा पढ़ूंगी फिर उसके अर्थ समझाऊंगी। बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। तो इस दोहे में कबीर जी ने कहा है कि बड़ा होने से किसी महत्व नहीं बढ़ जाता है। खजूर का पेड़ जो है वो बहुत ही बड़ा होता है, उसका फल कितने दूर होता है। खजूर अगर खाने की इच्छा हो किसी को तो उसके फल बहुत ही दूर, उससे कोई लाभ नहीं होता। और अगर आम का हो पेड़ और वहाँ जाके अपन सोचे आम खा ले तो अपन तुरंत चढ़कर आम खा सकते, पर खजूर के पेड़ खजूर नहीं खा सकते, तो मुसाफिर को छाया भी नहीं मिलती। अगर पहले तो कैसे चलते, पैदल चलते थे, तेज धूप हो अगर लगे कि थोड़ा छाँव में रुक जाए तो मुसाफिर हो, प्रवासी हो, उनको छाया भी नहीं मिलती है, फल भी खाने को नहीं, उसके फल भी ऊंचाई लगते, इसलिए फल के तो यानी ये फल सरलता से प्राप्त नहीं होते। तो यहाँ से कहा है कि बड़ा होने का बताया है कि बड़ा होने का कोई महत्व नहीं है। सभी मनुष्य को बड़ा बड़ा करके सम्मिलित बनकर रहना चाहिए। साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुभाए, सार सार को गही रहे थोथा देही उड़ाए। तो साधु यानी सज्जन पुरुष, सूप जैसे स्वभाव वाला। सूप में क्या होता है कि तुम सब्जियाँ को बाफ लो फिर उसको छान लेते हो तो सूप अलग हो जाता है और कचरा अलग हो जाता है। तो ऐसे छूप अच्छे अच्छे सुपड़ा क्या करता है, अच्छे अनाज को ग्रहण करता है और ख़राब अनाज को उड़ा देता है। वो जो अनाज के जो थोड़े बहुत छिलके रहते हैं वो उड़ा देता है और अच्छा अच्छा अनाज ले लेता है, वैसे अपने अंदर रख लेता है, वैसे कचरे को बाहर फेंक देता है। उसी तरह साधु पुरुष ऐसे लोग हैं कि अच्छी वस्तु ग्रहण करते हैं और जो व्यर्थ की बात है उसको छोड़ देते हैं। तो इस कबीर ने कहा है कि अच्छा 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 सार जीवन में लेना चाहिए, खराब वस्तु है उसको पीछे छोड़ देना चाहिए। माखी गुड़ में गड़ी रहे पंख रहे ओ लिपटाए, हाथ मले और सिर दुने लालच बुरी बलाए। तो इस दोहे में कबीर जी ने कहा है कि माखी गुड़ के अंदर खाने के लिए गुड़ पर बैठती है, फिर गुड़ खाते खाते अंदर फंसी जाती है, उसके पहले पंख, फिर वो पूरी चिपक जाती है गुड़ पे, तो वो खाने खाने के चक्कर में अंदर चली जाती है,
फिर वो कितना मचलती है, कितना पछताती है, हाथ मलती है, सिर धुनती है कि मेरे को इससे बाहर निकलने का छुटकारा मिले। पर सचमुच लालच बुरी भला है, तो कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। व्यक्ति को जितना मले उतने से अपना गुजारा करना चाहिए, लालच नहीं करना चाहिए। जुगाड़ रमते हो तो 5 रुपये रखे तो 10 हुए, तो फिर लालच करके लाओ 10 रख दूँ तो फिर 20 हो जाएंगे, तो ये लालच है। ज़रूरी नहीं है कि भाई 5 के 10 हुए तो 10 के 20 होंगे या 50 के 100 होंगे, ये ज़रूरी नहीं है। लालच को बुरी बला कहाँ है, कबीर जी ने लालच को यहाँ बुरी बला कहाँ है। तो ये कबीर जी के दोहे देखें। अब आगे तुलसीदास जी के। तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, सबसे हिल मिल चल लिए नदी नाव संजोग। तो तुलसी जी कहते हैं कि ये संसार में, ये दुनिया में तरह तरह के, अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, हम इस सब के साथ हिल मिल कर रहना चाहिए। कोई गुस्सा वाला रहता है, कोई शांत रहता है, कोई जल्दी वाला रहता है, कोई धीरे वाला रहता है, तो सभी को हिल मिल कर रहना चाहिए। जैसे नदी नाव संजोग, नदी के अंदर नाव कैसे चलती है, अगर नदी भी चाहे तो नाव को डुबा सकती है, तार भी सकती है, तो उसी तरह नदी नाव संजोग की तरह ये पूरी दुनिया में हमें रहना चाहिए। आगे तुलसी हाय गरीब की कबू न खाली जाए, मुए ढोर के चाम से लोह भस्म हो जा। तो तुलसी जी कहते हैं कि कभी भी गरीब की हाय, गरीब की बद्दुआ कभी भी निष्फल नहीं जाती। कोई गरीब हो और उसकी कोई मजाक उड़ाता हो तो उसकी हाय कभी भी नहीं लेनी चाहिए। अगर वो हाय देता है तो उसकी हाय कभी भी खाली नहीं जाती। सामने वाले को लगती है मरे हुए जानवर से, चमड़े से बनी धोकड़ी से लोहा राख हो जाता है। जो जानवर मर जाता है उसके चमड़े से धोकड़ी बनाई जाती है, यानी धोकड़ी बनाई जाती है और वह धोकड़ी लोहे को राख कर देती है। तो फिर गरीब जीवित व्यक्ति है उसकी हाय कैसे निष्फल। जो मरा हुआ जो प्राणी है उसका चमड़ा, उसकी हाय कितनी लगती है, मूंगा है, उसको नहीं बोल सकता है ना, कुछ अपन को कह सकता है, ऐसे व्यक्ति की हाय कभी निष्फल नहीं जाती। तो जो जीवित है, जो गरीब जीवित है, अगर वो तुमको हाय दे तो वो कभी भी खाली नहीं जाती। विद्यार्थी मित्रों, तमारे अहीं सुधी आ दोहा अष्टकमनी अर्थ अने ઉપર દોહા રહી કબીર અને તુલસીદાસ સુધી લખવાના રહેશે। અસ્તુ।